हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारे पास न्यू रेसिपी लेके आए हैं, ये है मखाने। इसे हम फूल मखाने कहते हैं, जो आमतौर पे शादियों में यूज़ होते हैं। तो आज हम इसकी खीर बनाएंगे, जिससे कि शरीर की कोई भी तरह की कमजोरी, थकान, जोड़ों का दर्द, सब कुछ, इससे कैल्शियम की कमी दूर होती है। कोई भी शरीर में कमजोरी हो किसी भी तरह की, इसको हम 10 से 15 दिन रोज़ाना बना के खाएंगे, तो ये थकान कमजोरी हमारे शरीर में जो होती है वो इससे दूर हो जाती है। तो आज की रेसिपी है फूल मखाने, इसकी हम खीर बनाएंगे, और बिल्कुल आसान तरीके से हम इसकी खीर बनाएंगे, और बहुत ही ये टेस्टी और यमी बनती है, और इससे और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक पतीला ले लिया है, गैस ऑन कर लेंगे। आप किसी भी चीज़ में इसे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे देसी घी लिया एक चम्मच, इसमें हमने देसी घी का ही यूज़ करना है, और किसी तेल या रिफाइंड का यूज़ नहीं करना है। तो हम यहाँ पे एक चम्मच देसी घी का लेंगे और उसको गर्म कर लेंगे। गर्म होते ही हम इसमें जो हमारे मखाने हैं वो हम इसमें शैडो फ्राई करेंगे। ये हमने एक कटोरी मखाने लिए हैं, अब हम इनको शैडो फ्राई कर लेंगे। हमको ध्यान रखना है कि हमारे मखाने जल ना जाएं, इनको हमको हल्का सा शैडो फ्राई करना है। तो ये देखिए, ये बहुत जल्दी ही जलने लग जाते हैं, इसलिए हम गैस को स्लो रखेंगे और इसको देसी घी डाल के थोड़ा सा हल्का सा शैडो फ्राई कर लेंगे, जिससे कि हमारी खीर बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनेगी। आप इसको एक बार जरूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मेरे साथ शेयर करना कि कैसी लगी है आपको खाने के बाद। तो ये देखिए, ये मेरे यहाँ पे शैडो फ्राई हो चुके हैं। इसमें हम सिर्फ 2-3 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे और ये हमारी खीर परफेक्ट बनके तैयार हो जाएगी। तो मैं इसमें डाल दूँगी एक गिलास दूध, आप फुल क्रीम वाला दूध भी इसमें यूज़ कर सकते हो, और जैसे हम थैली वाला या पैकेट वाला दूध लेते हैं वो भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे अच्छे से शैडो फ्राई हो चुके हैं, और ये बहुत ही टेस्टी और यमी खीर बनती है। और ये मैंने एक गिलास इसमें फुल क्रीम वाला दूध डाल दिया, आप चाहें तो इसमें कोई भी मिल्क यूज़ कर सकते हो, और आप इसको पतली बनाना चाहें तो आप इसमें ज़्यादा मिल्क यूज़ कर सकते हो। मैं इसमें एक ही गिलास यूज़ करूँगी, और ये मैं इसमें शुगर डाल रही हूँ, यानी चीनी डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा ऐड कर लीजिए। मैंने यहाँ पे आधी कटोरी ही डाली है, और आप इसमें शुगर की जगह हनी भी यूज़ कर सकते हो। ये यहाँ पर मैंने खसखस ली है, यहाँ मैंने एक बड़ा चम्मच खसखस डाल रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कमज़ोरी और थकान, जोड़ों में दर्द के लिए भी ये बहुत ही लाभदायक है, तो इसलिए हम इसमें खसखस का यूज़ करेंगे। तो इसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स खसखस है, जो यहाँ पे मैंने खसखस आमतौर पे पंसारी की दुकान पे बहुत जल्दी मिल जाती है, और उसको आप अच्छे से साफ़ कर लीजिए और उसको डाल दीजिए। तो आप उसको चाहें तो पीस के भी डाल सकते हैं और ऐसे भी डाल सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा 2-3 मिनट इसको मैं उबालूँगी, जिससे कि हमारे अच्छी तरह सब कुछ मिक्स हो जाए। तो हमारी ये मखाने की खीर बनके तैयार हो गई है, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनी है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग पतली या टाइट, जैसे भी आप इसको खाना चाहें आप खा सकते हैं। फूल मखाने आप इसको स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं। मैं आप स्नैक्स की रेसिपी आपके साथ अगली बार शेयर करूँगी, इसको हम चाय के साथ स्नैक्स के रूप में भी 3-4 तरह से बना के खा सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। और ये देखिए, ये हमारी मखाने की खीर बनके तैयार है। इसमें मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, मैंने इसमें बादाम डाले हैं, आप इसमें कोई भी फ्रूट ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने इसमें बादाम यूज़ किए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली नई न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।